हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टैग की एस के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि सैमसंग गलेक्सी F54 5G में आप ड्यूल ऐप्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगी, आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एडवांस्ड फीचर्स की, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर जो है क्लिक करना है। चलिए हम कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूल मैसेंजर की, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके फ़ोन में जितनी भी ऐप्स सपोर्ट करेंगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। फिलहाल मेरे फ़ोन में यहाँ पे दो ही सपोर्ट कर रही है, व्हाट्सएप और स्नैपचैट। आपको सिंपली क्या करना है, जिससे भी ड्यूल ऐप में क्रिएट करना है आपको सिंपली उसे यहाँ से ऑन कर देना है, तो जो ड्यूल ऐप है वो क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। चलिए मैं आपको व्हाट्सएप को करके दिखा देती हूँ। ये मैंने व्हाट्सएप को यहाँ से ऑन किया। यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ड्यूल ऐप क्रिएट हो रही है। दोस्तों, ड्यूल ऐप क्रिएट हो चुकी है। चलिए मैं आपको होम स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा पुराने वाली व्हाट्सएप है और ये अभी मैंने जो ड्यूल ऐप में क्रिएट की वो वाली। तो दोस्तों, आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं दो दो व्हाट्सएप। तो आप दोस्तों यहाँ से इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे ऐप के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है एंड देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी अनइंस्टॉल की, आपको यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ से अनइंस्टॉल, तो जो ऐप है वो अनइंस्टॉल हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे आप अपने फ़ोन में ड्यूल ऐप क्रिएट कर सकते हैं।